वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपके संग क्लोथ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। वार्डरोब हम लोग की जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो मैं कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करूँगी जिसमें अगर आप उस टाइप के ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं तो आपके जो कपड़े वगैरह हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि साड़ी वगैरह, उन्हें हम कम यूज़ करते हैं, तो उनको मैं किस तरह से रखती हूँ मैं वो आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपके संग एक DIY ऑर्गेनाइज़र भी बनाने का तरीका बताऊँगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉर्डरोब ख़राब ना हो तो मैं अपने कपड़े इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। देखिए, इनको मैंने वॉलपेपर लगा के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस से बनाया है और देखिए अलग अलग टाइप के कपड़े मैंने अलग अलग टाइप के बॉक्स में रखे हुए हैं। तो इस बॉक्स में मैंने अपने सारे जो दुपट्टे वगैरह होते हैं वो रखे हैं और दुपट्टे भी मैंने ये जो पॉली बैग्स आते हैं इसमें रखे हैं। तो मैं कोई भी कपड़ा वैसे भी पॉलीथीन में ही रखना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, इससे कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, सेफ रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, इनकी फोल्ड भी नहीं खुलते हैं। तो यहाँ पर मेरी कुछ स्कर्ट्स वगैरह हैं और ऊपर देखिए मेरे कुछ पैंट्स और प्लाजो वगैरह हैं। अलग अलग कैटेगराइज करने से आपको जो चीज़ जब चाहिए होती है वो मिल जाती है। देखिए, इसमें मैंने अपनी सारी लेगिंग्स रखी हुई हैं और जब मुझे जो कपड़ा लेना है मैं तुरंत पिक कर लेती हूँ और यूज़ करने के बाद उसी बॉक्स में वापस वैसे ही सेटल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कैटेगराइज करके अगर आप कपड़ों को रखते हैं तो जो आपकी वार्डरोब है वो लंबे टाइम तक ख़राब ही नहीं होती है। जो पार्ट ख़राब हो जाए उसको आप इजीली वहीं पर सेट कर सकते हैं, तो एक एक बॉक्स करके भी जब टाइम मिले आप सेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको साड़ियों का दिखाती हूँ। तो जो मेरी कबर्ड है इसमें ऊपर की साइड में जो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसमें मैं अपनी जो साड़ियाँ हैं वो रखती हूँ, तो उसके लिए मैंने प्लास्टिक के बॉक्स ले रखे हैं और इन बॉक्स में जो है व्हील्स लगे हुए हैं तो आप इजीली इनको पुल कर सकते हैं। और इनकी प्लास्टिक जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर आप इस टाइप के बॉक्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो मैंने इस टाइप के 4-5 बॉक्स ले रखे हैं, तो इसमें मैं अपनी ज़्यादातर साड़ी वगैरह ब्लाउज़ वगैरह इसमें रखती हूँ। तो देखिए एक बॉक्स में कितनी सारी साड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पर। और देखिए साड़ियों को भी मैं ये जो बैग्स आते हैं जिप वाले इसके अंदर करके रखती हूँ, तो डबल सेफ्टी हो जाती है और हमारी साड़ियाँ एकदम सेफ रहती हैं। और देखिए इस वाले बॉक्स में मैंने ब्लाउजेज रख रखे हैं। ये साड़ी के साथ वाले ब्लाउज़ नहीं है, ये एक्स्ट्रा ब्लाउज़ है जिनको मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। और ज़्यादातर ब्लाउज़ वगैरह को मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। अगर आप मेरा ये ब्लाउज़ कलेक्शन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी और सारे ब्लाउजेज के लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी और सारे ब्लाउज़ को मैं ओपन करके आपको अच्छे से दिखा भी दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे ब्लाउज़ रख रखे हैं। ज़्यादातर बॉक्स ब्लाउज़ों को मैंने पॉलीथीन में ही पैक करके रखा है, इस तरह से ये डबल सेफ हो जाते हैं। देखिए इस टाइप के कुछ ब्लाउजेज हैं, इनमें मैंने कुछ कस्टमाइजेशन भी किया है। और देखिए ये जो कॉटन वगैरह के ब्लाउजेज हैं डेली वेयर में पहनने वाले, ये भी मैंने इसमें ही रख रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अलग अलग रखने से आपको किसी चीज़ को बहुत ढूंढना नहीं पड़ता है, जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसी चीज़ को उठाकर तुरंत ले सकते हैं। इससे आपका जो पूरा क्लोथिंग सिस्टम है पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। इन वाले बॉक्स में व्हील दिए गए हैं, इससे आप इनको ईजिली पुल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप ये बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदना चाहते हैं तो उस टाइप के बना लीजिए। तो देखिए मेरे पास एक ही कार्डबोर्ड का काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है, ये ग्रोसरी वगैरह लेते हैं तो उसके साथ आ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ, मुझे थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज़र भी चाहिए था। तो मैंने इसकी सारी साइड्स को कट कर लिया है, पर ये अभी भी मुझे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि मेरी जो कवर्स वगैरह हैं उसमें ये नहीं आ पाएगा। तो मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा, इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लगभग इतना। तो चलिए पहले हम इसको निशान बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बास ले लिया है, इसी की हाइट का मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने जो अपना स्केच पेन है उस पर सेट कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल आप जितना चाह रहे हैं एकदम फटाफट इसका जो मार्किंग है वो हो जाएगी। तो लीजिए मार्किंग हो गई है, अब मैं इसको नाइफ से कट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, ये कार्डबोर्ड का है तो इसको कटिंग वगैरह करने में आपको कोई भी मेहनत नहीं लगती है, देख सकते हैं आप मैं कितना ईजिली इसको कट कर रही हूँ। और देखिए ये कट हो गया है, इतना पार्ट मैंने अलग कर लिया है, इसका भी हम काम करेंगे, इसे फेंकना नहीं है। तो पहले हम इसको पीछे की तरफ से लॉक करेंगे। तो यहाँ पर लॉक करने के लिए जो सेलो टेप आता है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, हम इसको काफ़ी अच्छा और मज़बूत बनाने वाले हैं, तो इसको मैं अच्छे से नीचे से पैक करूँगी, लगभग 2-3 बार यहाँ पर मैं
सेलो टेप लगाने वाली हूँ, इससे ये अच्छे से बिल्कुल पैक हो जाएगा। और हम ऑर्गेनाइज़र बनाने में जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये कोशिश यही रहेगी कि ये लंबे टाइम तक चले। तो जो फ्लैप्स मैंने काटी थी, इसमें जो लंबी वाली फ्लैप्स है इनको मैंने जोड़ दिया है आपस में सेलो टेप से, इससे मैं इसका जो कैप होता है ऑर्गेनाइज़र का वो बनाऊंगी। तो देखिए, इसको भी मैं यहाँ पर सेलो टेप से अच्छे से कवर कर रही हूँ। इसमें भी मैं 2-3 राउंड लगाऊंगी टेप के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़बूत ऑर्गेनाइज़र बनाना है। लीजिए, टेप लग गया है। अब इसको नाप के देखते हैं, थोड़ा सा ये छोटा रहा है। और मुझे इसकी साइड्स भी बनानी है, तो जो मैंने कट करके पीस अलग किया था उस पीस को भी मैं हाफ कट करके इसके जो साइड्स हैं वो बनाऊंगी। तो देखिए, नाइफ से बहुत ही ज़्यादा इजीली इसको मैं काट पा रही हूँ, और इसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। मैं इसका एक ही साइड यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए, अब हम बॉक्स को नाप लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसके साइज़ का है, हमें लगभग 1 इंच से बड़ा बनाना है, जिससे कि अंदर की तरफ इसमें बॉक्स इंसर्ट हो जाए। तो जो साइड में ये हमने इसको जो लॉक किया गया है, इसको खोल लेंगे। तो मैंने इसको खोल लिया है। अब इसका साइज़ लगभग 1 इंच करीब बढ़ गया है, और हमारे बॉक्स के साइज़ का ये बन गया है। इसको भी मैं सेलो टेप की हेल्प से पैक कर लूँगी, और थोड़ा सा स्टेपलर की पिनी भी लगा दूँगी। और मुझे ऊपर का जो फ्लैप था थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने 1 इंच करीब इसमें कार्डबोर्ड और ऐड कर लिया है। चलिए, अब इसकी हम ये साइड्स को इसमें लॉक करते हैं। तो मैंने नाप के पहले चेक कर लिया है बराबर है कि नहीं। अब मैं इसमें जो सेलो टेप है उसके छोटे छोटे पीस लगा के धीरे धीरे इसको पैक करूँगी। सेलो टेप थोड़ा अच्छा वाला लीजिएगा, इससे आपका जो बॉक्स है काफ़ी अच्छा बनेगा। पहले मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर इसमें टेप लगा रही हूँ, बाद में मैं 1 राउंड लगा के टेप से इसको और ज़्यादा स्टडी बना दूंगी। देखिए, हमारा बॉक्स रेडी हो गया है, और जो इसका कैप है वो भी परफेक्टली इसमें आ रहा है। चलिए, इसको हम कवर करते हैं। तो मेरे पास कुछ वॉलपेपर के रोल्स पड़े हैं, तो मैं ऊपर का और नीचे का अलग अलग वॉलपेपर से कवर करूंगी। लेकिन कवर करने से पहले जो मेरा बॉक्स है इसको मैं और ज़्यादा मजबूती देने के लिए टेप से इसकी जो साइड्स हैं चारों उनको भी कवर कर दूंगी। तो देखिए, इस तरह से जो साइड्स हैं वो कवर हो गई हैं। अब मैं इसके ऊपर वॉलपेपर लगा ले रही हूँ। आप चाहें तो जो नॉर्मल पैकिंग पेपर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको फेविकोल वगैरह यूज़ करना पड़ता है। इसमें एडिसिव पहले से ही होता है, तो ये काम फटाफट हो जाता है। इनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, दोनों ही वॉलपेपर्स के, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मेरा जो बॉक्स है कवर हो गया है। और जो वॉलपेपर का जब मैंने पेपर हटाया, तो पीछे की साइड जो होती है उसको भी मैंने फेविकोल लगाकर यूज़ कर लिया है, और आगे और पीछे दोनों साइड मैंने वो वाइट वाला पेपर इसमें पेस्ट कर दिया है। और देखिए, मेरा बॉक्स रेडी हो गया है, और कितना अच्छा लग रहा है, और काफ़ी मजबूत भी बना है। और देखिए, ये इसका कैप है, इसको भी मैंने अंदर की तरफ से जो वॉलपेपर का ही बैक वाला पेपर था उससे कवर कर दिया है। चलिए, लगाकर देखते हैं अभी इसमें सेट होता है कि नहीं। और देख लीजिए, बहुत इजी से ये सेट हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी मजबूत बना है, और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आया है। इसमें अब आप साड़ी वगैरह या कुछ भी सामान रखना चाहें, पर्स वगैरह जो भी रखना चाहें इसमें रख सकते हैं। चलिए, इसमें मैं आपको कुछ साड़ियाँ रख के दिखाती हूँ, इसमें कितनी साड़ियाँ आ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत सारी साड़ियाँ रख दी हैं, अभी भी इसमें आधा स्पेस बाकी है, तो इसमें आप और भी कुछ रख सकते हैं। और अब इसमें कैप भी लग गया है, तो डस्ट वगैरह से ये एकदम फ्री रहने वाला है, कोई डस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगी। देखिए, मैंने इसमें साड़ियाँ तो निकाल दी हैं, क्योंकि वो मैं बॉक्स में रखती हूँ। जो साड़ी के पेटीकोट्स वगैरह होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें पेटीकोट्स ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, और एक ही बॉक्स में मेरे बहुत सारे ये आ गए हैं। और ये इसकी हाइट काफ़ी कम है, तो अभी आधा बॉक्स खाली है, तो इसमें मैं अपनी दुपट्टा वगैरह या एक्स्ट्रा जो पर्स वगैरह हैं वो भी मैं इसमें ही रख रही हूँ। और अब ये हो गया बंद, तो इसको मैं कबर्ड में ऊपर की साइड ही रखने वाली हूँ, और इसको मैंने वहाँ पर जाकर प्लेस कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? होप आपको पसंद आया होगा। और जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।